अल्लाह सरकार को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक्दस से जारी होना था। अगर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया, या रसूल अल्लाह अब आप मुझको मेरी जान से ज्यादा अजीज है। आपने फरमाया अल आन या उमर, ए उमर अब ये कैफियत पैदा हुई है। फिर वही फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जिस दिन से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है उस दिन से लेकर आज तक ये दाएं कंधे पे बैठने वाला फरिश्ता इंसान की नेकियां लिखता है और बाएं कंधे पे बैठने वाला फरिश्ता इंसान की बुराइयां लिखता है, उसके गुनाह लिखता है। वो फरमाते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है उस दिन से लेकर आज तक ये गुनाह लिखने वाला जो फरिश्ता है, गुनाह लिखना तो दूर की बात, मैंने कभी उसको कलम उठाने का मौका नहीं दिया। एक दावा है मोहब्बत रसूल का, एक उस पर दलील है। दावा जुबान से जारी होता है और उसकी दलील हमारा हुलिया बताता है, हमारा अमल बताता है। इलम इलम की आवाज लगाते हुए हम जिसको कोई बात बताते हैं वो कहता है मुझे मालूम है, मुझे पता है। ये बात तो शैतान ने भी कही थी कि मैं ज्यादा जानता हूँ, मेरे पास हर बात का इल्म है। लेकिन कुरान जाए उन सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह अजमाइन पर कि जिन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत कर ली और नारा किया था नहनु लजीना बायअउ मुहम्मदा, हमने मोहम्मद अरबी के हाथों पर बैत कर ली है। जब तक जिंदा रहेंगे जिहाद करते रहेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं और आप फरमा रहे हैं वुज़ू का पानी नीचे नहीं गिरता। सहाबा इकराम अपने हाथों में मलते हैं और अपने जिस्म पे अपने चेहरे पे मल लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना थूक मुबारक में फेंकते हैं, सहाबा इकराम जमीन पे जाने नहीं देते, अपने हाथों पे मल के अपने चेहरे पे मल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाक मुबारक साफ करते हैं, सहाबा इकराम उसको भी जमीन पे जाने नहीं देते, अपना कलम निकालते हैं, सहाबा इकराम उसको भी जमीन पे जाने नहीं देते, अपने चेहरे पे बल रहे हैं, अपने जिस्म पे बल रहे हैं। उरवा बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाकिम से अपने बादशाह से जाकर के कोई रात बयान की, वाकया सुनाया कि उस नबी के साथ पंगा मत लेना जिसके फरमा बरदार ऐसे हैं, जिसके मानने वाले ऐसे हैं कि उसका थूक जमीन पे जाने नहीं देते, वुजू का पानी नीचे गिरने नहीं देते, वो नाक साफ करता है वो भी जमीन पे